रतलाम के आलोट नगर में कांग्रेस के विधायक मनोज चावला एवं पूर्व जिला कार्यवाहक अध्यक्ष योगेंद्र सिंह जादौन पर खाद लूट का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी योगेंद्र सिंह जादौन को बीती रात इंदौर से गिरफ्तार किया था, जिसको लेकर गहमा गहमी का दौर शुरू हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। दरअसल कुछ दिन पहले खाद वितरण केंद्र पर सर्वर डाउन होने के चलते किसानों को खाद देने में दिक्कतें हुई थी। तभी विधायक मनोज चावला ने खाद वितरण केंद्र का ताला खुलवाकर किसानों को खाद ले जाने के लिए कहा था, जिसका वीडियो तेजी से वायरल भी हुआ था। वहीं अब इस मामले में विधायक मनोज चावला एवं पूर्व जिला कार्यवाहक अध्यक्ष योगेंद्र सिंह जादौन पर लूट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं योगेंद्र सिंह जादौन की इंदौर से एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान गिरफ्तारी भी हो गई थी। इस पर आलोट बार एसोसिएशन समेत स्थानीय कांग्रेस नेताओं में रोष दिखाई पड़ रहा है। संघ आलोट के साथी विधायक मनोज जी चावला और डॉक्टर योगेंद्र सिंह जादौन पर आलोट पुलिस ने शासन के इशारे पर असत्य मुकदमा पंजीबद्ध किया है और हमारे साथी को डॉक्टर जादौन को इंदौर से गिरफ्तार किया है। और पुलिस ने जो अमानवीय व्यवहार किया है उसके विरोध स्वरूप आज हम अधिवक्ता संघ ने एक बैठक कर कार्य से जो है विरत रहने का फैसला किया है और आज लोक अदालत भी आयोजित की जा रही है और हमने उसमें भी भाग नहीं लेने का निर्णय किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। पूरे प्रदेश में खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है, किसान परेशान है और ऐसे समय में जब कांग्रेस का कार्यकर्ता किसानों की आवाज़ उठाने के लिए कहीं पहुंच रहा है तो सरकार के इशारे पर सरकारी नुमाइंदों की तरह प्रशासन के अधिकारी एक चपरासी की तरह कलेक्टर काम कर रहे हैं। और उन्होंने एक झूठा प्रकरण जिला पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर ने स्वयं बैठ करके आलोट विधायक और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर बनाया। जिस तरह का प्रकरण लूट जैसी गंभीर धाराओं में बनाया गया, वास्तव में लोगों की जेब से लूट और पर्दे के पीछे से ये अवैध खाद बेचने का काम सरकार के नुमाइंदे कर रहे हैं। यहाँ मैं आरोप लगा रहा हूँ, इस वर्तमान समय में रतलाम जिले में जो DDA हैं, कृषि विकास अधिकारी जिले के, वो पूरे प्रत्येक खाद की दुकान से, बीज की दुकान से, दवाइयों की दुकान से पिछले 1.5 साल से लगातार अवैध वसूली कर रहे हैं। और ये जो खाद की कृत्रिम समस्या है ये भी DDA की उपज है। जिला कलेक्टर और DDA की मिलीभगत से ये खाद की कृत्रिम जो असमानता यहाँ पे पैदा हुई है, जिला कलेक्टर और DDA की मिलीभगत से और सरकार के संरक्षण में ये जो है अपराध घटित हो रहे हैं। और कांग्रेस के लोगों को दबाने के लिए जिस तरह से झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं उसका हम घोर निंदा करते हैं, घोर विरोध करते हैं। पूरी पार्टी एकजुट होकर के और कांग्रेस पार्टी इस मसले पर तगड़ा आंदोलन कर, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से बात हुई है। हम बहुत जल्द यदि इस मामले में हमारे लोगों को सबसे पहली बात तो यह है कि लोकप्रिय विधायक पे केस दर्ज हुआ झूठा, क्योंकि उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी है कि पहले शिवराज सिंह चौहान उन्हें पैसे में खरीदना चाह रहे थे, वो उसमें भीगे नहीं। अब प्रशासन का दबाव बनाकर वो उनकी लोकप्रियता कम करना चाह रहे हैं, लेकिन विधायक जी ने खुली चेतावनी दे दी है कि किसानों की हक की लड़ाई लड़ी जाएगी, अभी भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। इन केस से कुछ भी नहीं होता है, एक छोड़ एक हज़ार केस बनाया जाए, हम सब मनोज चावला बनकर अब रोड पे निकलेंगे। आप हम पे भी केस बनाओ, हमें भी जेल में डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसानों की लड़ाई ताकत से लड़ी जाएगी। आगे की रणनीति, अभी ये कोर्ट का मामला क्या रहता है, उसके बाद पार्टी की गाइडलाइन क्या आती है, क्योंकि इसे सीधे माननीय कमलनाथ जी देख रहे हैं इस मामले को। कल भी 8 विधायक रतलाम में मौजूद थे, है ना, और कलेक्टर साहब ने जो बर्ताव किया, एक इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए था कि 8-8 विधायक, 2-2 पूर्व मंत्री बैठे हुए हैं और वो 5 कदम चल के नहीं आ पाए।
तो अब जैसी भी आगे गाइडलाइन पार्टी की आती है इसी तरह आपको जानकारी मिलेगी। जी क्या है, एक जबरन का मामला थोपा गया है क्षेत्र में, सबके सामने मीडिया के सामने भी किसान तरह से परेशान है। किसानों के लगातार विधायक जी के पास, हमारे पास कई दिनों से फोन आ रहे थे कि हमें तीन तीन दिन से टोकन दिए गए, हमें खाद वितरित नहीं किया जा रहा है, खाद गोदाम प्रभारी के द्वारा व्यक्तियों को खाद दिया जा रहा है लेकिन किसानों को नहीं दिया जा रहा है। इसको लेके माननीय विधायक जी और हमारे जादौन साहब और टीम वहाँ निरीक्षण के लिए गए थे। वहाँ जाने के बाद विधायक जी ने सारे लोगों से बात करने के बाद पता चला कि जिन व्यक्तियों के तीन तीन दिन से टोकन मिले हुए हैं उनको खाद नहीं मिल पा रहा था। तो माननीय विधायक जी ने, इन्होंने जो फर्जी तरीके से लूट डकैती और ये जो केस बनाए छपाए फर्जी, विधायक जी ने उन व्यक्तियों को खाद उठाने के लिए बोला था जिनका दो दो तीन तीन दिन से टोकन बना हुआ था, और यह चीज़ को इन्होंने लूट की केस बना के उनके ऊपर थोपा गया है, सरासर गलत है। इसका विरोध समस्त किसान और आलोट विधानसभा के लोग सड़कों पर आके करेंगे। घटना के बाद से आलोट थाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जुटने का सिलसिला शुरू हो चुका था, जिस पर पुलिस ने अतिरिक्त बल बुलाते हुए योगेंद्र सिंह जादौन को आलोट कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें इंदौर की स्पेशल कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही अब पुलिस ने विधायक की तलाश भी शुरू कर दी है। जी देखिए, दिनांक 10/11/2022 को आलोट के सहकारी विपणन संघ खाद के जो गोदाम है आलोट शाखा में एक घटना हुई थी, जिसमें उस वक्त अपराध पंजीबद्ध किया गया था परसों आईपीसी की धारा 332, 353 और 392 में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसमें आज गिरफ्तारी ली गई है और उन्हें पेश किया जा रहा है आरोपी को। इसमें दो आरोपी उस वक्त थे जो वीडियो फुटेज में वायरल हुए थे, माननीय विधायक महोदय आलोट और श्री योगेंद्र सिंह जादौन। इस मामले में आगामी समय में राजनीति गर्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष के विधायक पर मामला दर्ज हुआ है, जिस पर पार्टी आलाकमान ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, आलोट।